YouTube में सर्च करें Cookwithme24x7 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाइए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पायल और आप देख रहे हैं Cookwithme24x7 चैनल। बरसात का मौसम आ गया है, पर इस बरसात के मौसम में अगर घर में कुछ पकौड़े बनाए जाए तो क्या बात है। पकौड़े बनाने के लिए बना बनाया मिक्सर मिल जाए तो और भी ज्यादा मजा आता है। तो आज इस पकौड़े मिक्स से हम बनाएंगे मूंग दाल वड़ा। तो चलिए देर न करते हुए रेसिपी हम बना लेते हैं। और हाँ, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। रेसिपी देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे नए नए रेसिपीज के लिए। हम पहले देख लेते हैं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। इसके एमआरपी है 70 रुपीज और इसमें से हम लगभग 24 दाल बड़ा बना सकते हैं। ये ISO 9001 की सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ये 200 ग्राम की है, 100% वेजिटेरियन है। इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड नहीं है, आर्टिफिशियल कलर भी ऐड नहीं है। इसके अलावा इसके इंग्रेडिएंट्स में है मूंग की दाल की आटा, व्हीट फ्लोर, पाम ऑलिव ऑयल और सेम ऑयल, सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड, ग्रीन चिली पाउडर, क्यूमिन सीड्स, जिंजर पाउडर, टर्मरिक एंड फर्मेंटेड एंटीऑक्सीडेंट। तो इसमें यहाँ पे लिखा है कि स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो चलिए इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम ये रेसिपी बना लेते हैं और देखते हैं ये कैसे बनते हैं। ये मूंग दाल के पकौड़े हम खाएंगे ग्रीन चटनी के साथ। तो ऊपर आई बटन में मैंने ग्रीन चटनी का रेसिपी मैंने दे दिया है, आप चाहे तो उसको पैक करके दे सकते देख सकते हैं। तो चलिए पैकेट को काट लेते हैं। कांच के बाउल में हम ले लेंगे तो इस मिक्सचर में अब हमें मिक्स करना है पानी 210 मिलीलीटर और एक स्मूथ बैटर बनाना है। तो इसमें लिया है मैंने 210 मिलीलीटर पानी, इसको हम धीरे धीरे मिलाएंगे और एक बैटर बनाएंगे। आप अपने पसंद के अनुसार इसमें प्याज, हरी मिर्च या हरे धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया है, ये जैसे लिखा गया है वैसे ही मिला के हम बनाएंगे, देखते हैं कैसे लगते हैं। तो बैटर हमारा तैयार हो गया है, अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर साइड में रख देंगे और तेल गरम करना है इसको फ्राई करने के लिए। 10 मिनट हो गया है, अब हम इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना स्मूथ बना है ये। तेल हमारा गर्म हो चुका है, मीडियम फ्लेम में इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हम इसको अब पलट देंगे। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फिर से पकाएंगे। ये पकौड़े चारों तरफ से गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। मूंग दाल के पकोड़े तैयार है, बाकी की जो बैटर है उससे भी हम बाकी पकोड़े बना लेते हैं। इस मिक्सचर से मैंने 25 पकोड़े बनाए हैं और ये पकोड़े बहुत टेस्टी और क्रिस्पी है, तो आप भी घर में ये बना सकते हैं। ये रेसिपी आपको कैसे
लगा ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए रेसिपी। आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइए मेरे नए नए रेसिपीज के लिए।